नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप नर्सरी स्टाइल। दोस्तों, गार्डनिंग के शौक रखने वाले अक्सर जो है पॉट खरीदते खरीदते परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। कितने भी पॉट खरीद लेते हैं, चाहे क्ले पॉट हो चाहे प्लास्टिक वाला हो, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों उनको कम पड़ जाता है। तो ऐसे में घर के जो कूड़े कबाड़ होता है तो उसी को भी छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों, आप भी मतलब इस कूड़े कबाड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अच्छा सही ढंग से अगर उसको इस्तेमाल करें तो आप गार्डन को एक बहुत ही अच्छा लुक्स दे सकते हैं, और कूड़े कबर को भी आप उसको यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी के ऊपर जो है मैं आज आपको जानकारी दूंगा और बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि कैसे आप कौन सा कूड़े कबर को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा पौधा जो है उसमें ग्रो कर सकते हैं, ताकि आपका जो गार्डन है वह बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो है हम बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि हर दिन जो है हमारे पास घर पर जमा होता है, जैसे उसको हम कूड़े कबाड़ में फेंक देते हैं या तो मतलब कहीं इधर उधर रख देते हैं। तो दोस्तों, उसको ऐसे मतलब फेंकने से बजाय आप अगर इस्तेमाल करते हैं उसको सही ढंग से गार्डनिंग के लिए, तो फिर आपका गार्डन जो है बहुत ही अच्छा एक अलग सा लुक्स देता है। तो दोस्तों, पहले जो है मैं आपको दिखाऊँगा, अक्सर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उसको हम कोल्ड ड्रिंक्स का जो बोतल है उसको फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने के बजाय देखिए इस बोतल्स को आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी में जो है इस कूड़े कबर देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल देखिए कितना अच्छा, मतलब इसमें जो पर्पल हार्ट ग्रो हो रहा है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जस्ट आप मतलब एक ऊपर से कट करके इसमें सॉइल डाल के आप इसमें जैसे पर्पल हार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे सीजनल फ्लावर प्लांट्स भी इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये जो है ये भी मतलब प्लास्टिक का एक कूड़े कबाड़ से मतलब उठाया हुआ चीज़ है। ये है बेबी फूड का प्लास्टिक का कंटेनर, जो कि मतलब कहना इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया था। तो मैंने इसको उठा के देखिए इसमें पोर्थुला का ग्रो हो रहा है, और एक मतलब इसको हैंगिंग में जैसे वॉल के साथ इसको मैंने हैंगिंग कर दिया, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। वर्टिकल गार्डनिंग के लिए आप इस कूड़े कबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरफ देख रहे हैं, इसमें देखिए जेड प्लांट भी इसमें ग्रो हो रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का जो बॉटल है। तो ऐसे आप मतलब कूड़े कबर से आप कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल या बेबी फूड का कंटेनर, ये सारा चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा कलर कर लीजिए दोस्तों। एक तो जो है आप जैसे वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं, दूसरा जो है आप उसको हैंगिंग में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी जो है बॉटल्स, देखिए ये पानी पीने वाला बॉटल्स है जो कि मतलब ख़राब हो गया था तो फेंक दिया था। तो इसी को जो है देखिए, इसी में भी जो पोर्टुला का है मैंने ग्रो किया, इसको जस्ट कलर करके धागे से इसको बांध के इसको टांग दिया। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जिगजैग मतलब कहना एक जिगजैग मतलब टाइप का जो ऊपर से लेके नीचे तक। और तो नेक्स्ट देखिए ये जो है ये भी कंटेनर है, बेबी फूड का कंटेनर है, पेंट का डब्बा है। तो इसी में जो है देखिए इसको ये जो रोप के सहारे मतलब इसको हैंग कर दिया। तो ये भी देखिए दूर से कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है। अगर आपको कटिंग्स डालना है कोई भी प्लांट्स, कोई भी मतलब अपने पौधे का जो कटिंग्स है, आप इस कूड़े कचरे को मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है मैंने क्रिसेंथेमम का कटिंग्स मैंने डाला हुआ है। तो ये फूड कंटेनर है, पेंट का डब्बा, दो पेंट के डब्बा में देखिए ये कटिंग्स क्रिसेंथेमम का कटिंग्स जो है मैंने डाला हुआ है। तो ऐसे जो है दोस्तों, कूड़े कचरे को इधर उधर फेंकने के वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि उसको आप गार्डन पे इस्तेमाल कीजिए, और अपना अपना जो गार्डनिंग का शौक़ है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए ये छोटे छोटे फूड कंटेनर में भी
आप जो है प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए ये जेट प्लांट, ये छोटे फूड कंटेनर में कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। ये है देखिए पर्पल हार्ट, ये देखिए फूड कंटेनर में कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। इसके अलावा पेंट्स का डब्बा देखिए, ये देखिए पेंट्स का डब्बे में भी आप इसको थोड़ा सा कलर करके देखिए रोयो प्लांट्स आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा प्लांट्स है जो कि आप छोटे छोटे कंटेनर जो कि वेस्ट कंटेनर मतलब हम अक्सर फेंक देते हैं, तो उसी को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक तो जगह भी कम लेता है और साथ साथ छोटे छोटे कंटेनर में पौधा जब ग्रो होता है तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही जो है बहुत सारा कंटेनर जो कि हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो उसको थोड़ा सही ढंग से अगर हम इस्तेमाल करें तो गार्डनिंग का जो लुक्स है वो भी मतलब बढ़ जाता है और अपना जो गार्डनिंग का शौक है वो भी पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।